हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वुलनाट। वुलनाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज जो है हम ये सिंपल बॉर्डर बनाना जो है मैं इसे बताऊंगी कि इसे मैंने किस तरह से, और देखिए कितना स्ट्रेचेबल है। और देखिए ये जो है मैंने अपने लिए जो स्वेटर बनाई थी, तो मैं सोचा चलो आज इसका वीडियो जो है आपके साथ शेयर करूँ। देखिए इसके लिए आज हम ये बॉर्डर बनाएंगे, इसके लिए देखिए मैंने जो है 24 डबल क्रोशे का जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखिए हमें किस तरह से बना। देखिए पहली सिलाई जो है मैंने उल्टी उल्टी निकाल ली है सारी। अब देखिए हमें पहला फंदा आप बुने या बिना बुने उतारे, देखिए इस तरह से आराम आराम से करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए दो हमारे सीधे हो गए। अब देखिए धागा मैंने अपनी साइड को लिया है, देखिए यहाँ धागा मेरी साइड को है। तो ये देखिए, तो दो फंदे हम लोग उल्टे बनाएंगे, एक और ये दो। फिर देखिए सीधे बनाने के लिए हमने धागे को उस साइड घुमा दिया है। अब देखिए ये सीधे हो गए। अब देखिए धागे को हम अपनी साइड लेके आए, देखिए धागा जो है हमने अपनी साइड लिया है और इसे इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए हमने, अब हम सीधे बनाएंगे तो हम इस साइड को घुमा दें वापस उस साइड। देखिए इस साइड को जब धागा था अंगूठे से, देखिए इस साइड को धागा है तो उल्टा बन रहा है, और हम उस साइड को धागा छोड़ देंगे तो देखिए सीधा बन जाएगा इस तरह से। अब देखिए फिर से हम धागे को अपनी साइड लेके आ रहे हैं, ये दो उल्टे बना दिए। अब धागे को वापस पीछे को लेंगे और इस तरह से बनाए। अब फिर से धागे को अपनी साइड लेंगे इस तरह। देखिए मैंने अपने अंगूठे की साइड रखा है धागा, तो हम लोग इस साइड बनाएंगे, एक ये दो। अब धागे को फिर से उस साइड के लिए करेंगे और दो फंदे जो है हम सीधे सीधे बनाएंगे। अब देखिए दोबारा से हम धागे को अपनी साइड ला रहे हैं इस साइड के लिए। और उल्टे उल्टे दो फंदे बना लेंगे। अब फिर से धागे को हम पीछे के लिए लेके जा रहे हैं सीधे फंदे बनाने के लिए, देखिए इस तरह से। अब देखिए धागे को हम अपनी साइड ला रहे वापस आगे की साइड, और इन दो फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए हमारा ये जो है फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमें किस तरह से पता लगाना है। देखिए ये हमारे जो है सीधे है, देखिए अब ये जो है हम, देखिए ये हमारे, देखिए ये जो धागे आपको इस साइड को दिख रहे, देखिए इस तरह से गांठ लगे हुए, देखिए पास से देखिए गांठ लगे हुए से आपको ये धागे दिख रहे हैं, ये हमारे उल्टे फंदे हैं। देखिए फिर देखिए इसमें कोई गांठ नहीं है, नेक्स्ट वाले में देखिए ये गांठ द्वारा से लगा दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारे सीधे फंदा है तो हम इसे बनाएंगे। देखिए ये हमारा सीधा फंदा है तो हम इसे सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए उल्टा है, उल्टे के लिए देखिए जब हम सीधा बना रहे हैं तो धागा उस साइड को है, जब उल्टा बना रहे हैं तो इस धागे को इस साइड ले आएंगे हम। तो अब देखिए ये हमारे, देखिए इनके ऊपर देखो आपको गांठ सी बनी दिख रही है, तो ये दो हमारे उल्टे फंदे हैं। देखिए अब हम देखिए धागा वापस उस साइड को लेंगे तो ये सीधे फंदे बनाएंगे। अब देखिए इस साइड को धागा लेंगे अपनी साइड को। अब देखिए इनमें फिर से हमारे को गांठ सी दिख रही है, देखिए ये वाली, ये दो गांठ दिख रही है, ये हमारे उल्टे फंदे हैं। तो चलिए इस तरह से जो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर, देखिए ये हमारे देखिए सीधे फंदे आ गए,
इसे हम सीधा सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए इन फिर से देखिए ये गांठ सी है इस साइड को बनी हुई, देखिए गांठ है ना, देखिए ये गांठ सी दिख रही है आपको। तो देख इस साइड को फिर हम धागा अपनी साइड को कर लेंगे इस साइड के लिए। देखिए इस साइड के लिए हमारी साइड के लिए ही जो ये धागा है, देखिए धागे से है, देखिए धागा हमारी साइड को ही है। इस साइड को अब देखिए हम सीधे बनाएंगे, तो हम दो हम लोग जो है सीधे बना रहे हैं और दो हम लोग जो है उल्टे बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए इस साइड को लेंगे अपनी साइड धागा, हमेशा जब हम उल्टा बना रहे तो हमारी साइड ही हो जाएगा। देखिए अब अपनी साइड बना रहे हैं, तो इस तरह से जो मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ऐसे जो हमारा ये पैटर्न जो है दिखना भी शुरू हो गया है। अब देखिए हमारे दो फंदे हैं, इसे हम सीधा सीधा ही बना लेंगे। इस तरह से देखिए, अब देखिए मैं उल्टा बना रही हूँ तो धागे को अपनी साइड इस अंगूठे की अपने साइड ही करा है और इस तरह से हम जो है बना रहे हैं उल्टा उल्टा। दो हम सीधे बना रहे हैं, अब सीधे बना रहे हैं तो धागे को हम बैक उस पीछे कर देंगे वापस। देखिए इस तरह से ये दो हमारे सीधे हो गए, अब धागे को अपनी साइड लेंगे तो ये उल्टे बन जाएंगे। देखिए अगर जैसे जो बिगनर है उसे नहीं पता चलता सीधा कैसा है उल्टा, तो देखिए इसमें हमारे कोई धागे नहीं। अब देखिए ये हमारे उल्टे हैं तो इसमें देखिए ये धागे आपको दिख रहे ऊपर उभरे हुए से, तो देखिए ये आपको धागे उभरे हुए से दिख रहे हैं, तो ये उल्टे फंदे हैं ये सीधे फंदे। अब हम सीधा बना रहे हैं तो इसे उस साइड कर देंगे इस तरह से। चलिए मैं इसे भी कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए मेरा जो बॉर्डर का डिजाइन है देखिए बनना शुरू हो चुका है और देखिए आपको स्पष्ट दिखाई भी रहा है। ये देखिए जो ये दिख रहे हैं ये ऊपर की ओर ये जो सीधे हैं और देखिए ये जो नीचे को ये इस साइड को है ये देखिए बीच में इस तरह से। देखिए ये वाली रो जो है देखिए मैं इस तरह से करूँ, देखिए ये जो ऊपर को उभरे हुए दिख रहे हैं ये तो हमारे आगे के डबल क्रोशी है और ये हमारे जो है ये हमारे बैक डबल क्रोशे है। तो इसी तरह से जो हमें थोड़ा सा एक राउंड एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। जो बिगनर्स है अपने जो स्वेटर बनाना चाहते हैं देखिए उनके लिए सिंपल डिजाइन है और आप आराम से इसे बनाकर जो है वो अपनी स्वेटर बना सकते हैं। देखिए अब देखिए दो धागे जैसे ये ऊपर आए हैं तो इसे उल्टा उल्टा बना लेंगे, धागा अपनी साइड ही रखेंगे। देखिए अब धागे को मैं उस साइड रख रहा हूँ, देखिए अगर मैं धागे को इस साइड रखती हूँ तो ये हमारा उल्टा हो जाता है और इस साइड रख रही हूँ तो ये हमारा सीधा है। तो इस तरह से जो है आप ध्यान रखिएगा, देखिए साइड को धागा अपनी साइड। तो इस तरह से जो मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ये पैटर्न बन के जो है बिल्कुल तैयार है, देखिए और कितना स्ट्रेचेबल है। आप जैसे हम कोटी पहनते हैं स्वेटर पैंट तो थोड़ा सा नीचे से टाइट हो जाए, देखिए ये टाइट नहीं बिल्कुल बिल्कुल ही ये लूज बनाई है मैंने ताकि किसी तरह का खिंचाव ना हो। देखिए मैंने जो है अपने लिए स्वेटर बनाया था, एक्चुअली में क्या हुआ जब ये वूल ली थी मैंने तो मैंने मेरी बेटी के लिए ली थी, तो उसके लिए जो है तीन गोले लिए थे। जब उसके लिए बनाने लगी तो उसे पहननी नहीं थी, फिर उसको नहीं बनाया अपने लिए ही बनाई 8 साल बाद। तो इसमें कोई और कलर नहीं करा ऐड, सिर्फ ये ग्रीन करा बॉर्डर पे। और देखिए इससे जो ये बिंदु बिंदु से है इसमें जो ये
पफ से निकले हैं, इसी से ये डिजाइन बहुत सुंदर बन के जो है तैयार हुआ है। देखिए सिंपल है फिर भी कितना सुंदर बना है ये डिजाइन। अभी जो है इसमें थोड़ा सा काम है, इनके जो दूसरे दो पल्ले और है वो जोड़ने को है और उसमें जो है ये फिनिशिंग देनी बाकी है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।